बताएंगे अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट हाँ, कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ? 21। 21 कैसे? तो फिर कंसोनेंट कितने होते हैं बताइए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, हम ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं ना? हाँ सब, क्या ही होंगे? सब जानते हैं। अच्छा बताइए, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा, अभी आप नहीं बताइएगा। बता सकते हैं, हमको मतलब पांचवा पद निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब, एन का भाई एसएन दिया हुआ रहेगा जी, ये एन दिया हुआ रहेगा। पांचवा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? अंतिम पद दिया हुआ रहेगा? नहीं, सिर्फ ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे? वो भी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? वहाँ पे जो एल एन होता है ना भाई साहब, क्या बोलते हैं? ए प्लस 4d। ए प्लस 4d, ये सही बोला। नहीं, होता है वही मेन, उसका यूनिक फॉर्मूला है। नमस्कार, मैं राजा बाबू और आप देख रहे हैं किंग न्यूज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरे बिहार भर में मैट्रिक का परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो गया है, और ये परीक्षा जो है वो 15 से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ सेंटर पर, परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं। केंद्र का नाम है कमता प्रसाद सिन्हा, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप कैमरामैन से हम चाहेंगे कि थोड़ा दिखाइए इधर बाहर, कितने यहाँ पे परीक्षार्थी जो हैं वो आए हुए हैं। ये सारे परीक्षार्थी हैं वो दूसरा सेटिंग के हैं। आपको बता दें कि परीक्षाएं जो है वो दो पाली में संचालित है। इस वर्ष लगभग पूरे राज्य भर में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, और अभी हम केंद्र पर आए हुए हैं। इधर देखिए, चलिए कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आज उनका दूसरा दिन पेपर है। चलिए, इधर भाई लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो कितना पढ़ कर आए हैं और वो किस प्रकार से लिखेंगे। कैसे हैं भाई? अच्छे हैं। अच्छे हैं, और सब बढ़िया है ना? बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। कौन सा पेपर है आज? आज मैथ है। मैथ का पेपर है। कितना घंटा पढ़ाई की है? लगभग लगभग 2 घंटा का पढ़ गए। लिख दीजिएगा सर। हाँ, लिख देंगे। अच्छा, मतलब आप लोग को डर नहीं लग रहा है? नहीं, डरने की क्या बात है, मैथ का है तो पढ़ के आए, तो क्या डरेंगे? क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब कहिए कि बिहार में मैथ है तो होता है? बिहार में मैथ तेजे रहता है, तेजे रहता है। कहीं ना कहीं हमारे जीरो के खोज करने वाले बिहार से, बिहारी से आर्यभट्ट पता है। आर्यभट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इनका नाम पता है। और देखिए, इधर अभिभावक भी हैं कुछ हैं। कैसे हैं भैया? अच्छे हैं। एग्जाम दिलाने आए हैं? हाँ। क्या कहिएगा सेंटर के बारे में, कोई दिक्कत भी हो रहा है क्या यहाँ बच्चों? ना, सेंटर पे तो दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से एग्जाम हो रहा है। अच्छा, परीक्षार्थी के बारे में क्या कहिएगा? परीक्षार्थी जो मैंने कि सब मैंने कि ठीक है, पढ़ लिख के आए हैं, सब अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं। अच्छे एग्जाम दे रहे हैं। हाँ। एग्जाम अच्छा चल रहा है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र के अंदर कोई दिक्कत नहीं? केंद्र के अंदर दिक्कत कहाँ है, बच्चे को अच्छे से बैठने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे, अच्छा से। यहाँ पे आपको पता होगा ना, कोई दिक्कत है या नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को अंदर से मैंने कि अच्छा व्यवस्था है बैठने के लिए। जी जी। अच्छा से एंट्री कराया जाता है। आपको क्या लगता है बिहार बोर्ड मतलब कितना हद तक सही है? जैसे बच्चों को अभी जो है 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया है, कहीं ना कहीं एग्जाम हार्ड हो गया है या फिर आसान हो गया है पहले की तुलना में? पहले की तुलना में तो आसान किया गया है जी, ये तो कन्फर्म है कि पहले की तुलना में आसान किया गया है। लेकिन आज भी टैलेंट का ही मैंने कि युग है, आसान होने से नहीं होगा। मैंने ठीक है पास हो जाएगा, लेकिन जो टैलेंट है वही मुकाम तक मैंने कि पहुंचेगा। अगर मान लीजिए कि अभी भी बच्चा कोई अच्छा नंबर नहीं लेके आता है, उसके लिए क्या करना चाहिएगा? मेहनत करे, मेहनत करे, भविष्य में मैंने कि मेहनत करे, अच्छा करे, टॉप करे। धन्यवाद भैया आपको। और इधर देखिए, और भी इधर भाई लोग हैं, चारों तरफ सब दिखा सकते हैं कैमरामैन, चारों तरफ से भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनका आज कहीं ना कहीं मैथ का पेपर है। कैसे हैं भाई? ठीक है, बहुत अच्छा है जी। किस चीज़ का पेपर है आज आपका? आज मैथ का पेपर, मैथ का पेपर है। पहला पेपर कैसा गया आपका? पहला पेपर ठीक गया। ठीक गया, क्या चीज़ का था? हिंदी का। कहाँ से आए हैं? हम आनंदपुर से हैं। आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। रोहित कुमार, अच्छा सच बताइए, कितना घंटा पढ़ के आए हैं? 5 घंटा पढ़े हैं। 5 घंटा पढ़े हैं, इतना में हो जाएगा काम? जी। अच्छा, पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? पहले पढ़ाई करते थे बाईपास प्रगति। अच्छा, आपका कितना मार्क्स एग्जाम होने वाला है लगभग आज? आज 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का कितना बना लीजिएगा? 95 प्लस रहेगा। प्लस रहेगा। और इधर देख सकते हैं, इधर तमाम भाई लोग हैं जो परीक्षा केंद्र पर यहाँ आए हुए हैं। कैसे हैं भाई? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ। कॉन्फिडेंस ऊँचा है ना? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। बहुत ऊँचा है। कितना क्वेश्चन बनाइए लगभग? पूछेगा जितना तो बना ही देंगे। पूरा बना दीजिए। पूरा बना देंगे। 100 प्लस करके आना है। पूरा 100 प्लस है? 90 प्लस? 100 प्लस कैसे, जितना रहे होता है ना, 100 नंबर तक तो है ही। अच्छा, पिछला दिन ऑब्जेक्टिव कितना बनाए थे? पिछला दिन पूरा बना दिए थे। पूरा बना दिए थे। उम्मीद कितना है कि सही? उम्मीद 45 से ऊपर। अच्छा, आगे क्या बनिएगा? आगे क्या
क्या बनना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब देश को सेवा करना है। जी हाँ। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे भाई का कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा है, पहला पेपर इनका अच्छा भी गया है। और इधर भाई हैं, पेपर देने आए हैं भाई। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या हुआ आपका? बिकी कुमार। बिकी कुमार कहाँ से आए हैं? बजीरगंज से। बजीरगंज से आए हैं। कैसा पेपर, कैसा चल रहा है? पेपर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। पिछला पेपर कैसा गया आपका? पिछला पेपर बहुत मस्त गया। बहुत मस्त गया। कितना आ जाएगा उसमें? मतलब लगभग 48+ हो जाएगा। 48+ हो जाएगा। आज क्या उम्मीद रखते हैं? आज उम्मीद तो ये तो अपना विषय है। अपना विषय है। वाह, अपना विषय कैसे? मैथ में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। बहुत ज्यादा मैथे पढ़ते थे? मैथे बहुत ज्यादा ध्यान में रखते। तो कितना ले आइएगा लगभग? कितना मतलब इसमें 95+ रहेगा। अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हैं भाई आप? आगे क्या बन, मतलब अभी एग्जाम निकलेगा तो ना, अभी देखेंगे। अच्छा, अभी कोई मतलब उम्मीद नहीं आगे का? नहीं, देखें ना। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिक्की है, घर का नाम। अच्छा, थैंक यू। और इधर देखिए, इधर बाकी भाई लोग हैं। कहा भाई कैसे हैं? इधर देखिए कैसे हैं? सब ठीक है। सब ठीक है ना? एग्जाम दिलाने आए कि देने आए हैं? दिलाने आए। दिलाने आए हैं भाई को? कहाँ भाई हैं आपका? कहाँ से आए हैं? बदरा। बदरा से आप हैं? कैसे हैं भाई? ठीक है। मतलब पूरा अच्छा है ना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है? पूरा फोड़ दिया क्वेश्चन आज? फोड़ देंगे। मैथ है जी? जी मैथ। बिहार का मैथ कहीं ना कहीं तगड़ा रहता है बच्चों का। कितना बना लीजिएगा लगभग? 100। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है? कुछ नहीं याद है। कुछ नहीं याद है, सब वहीं निकलेगा। सब वहीं निकलेगा। देखिए भाई को कुछ क्वेश्चन याद नहीं है, बोल रहे हैं कि वहीं निकलेगा जो भी निकलेगा से। इधर भी तमाम विद्यार्थी हैं। अब इन लोग से पूछते हैं तो इन लोग मतलब भागते हैं। 10 मार्क का एग्ज़ाम देने वाले हैं लोग, देने आए हैं। इसके बाद इन लोग 12th में जाएंगे और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे। लेकिन इन लोग से बात कर रहे हैं तो भागते हैं। कैसे हैं अंकल जी? ठीक है। ठीक है। एग्जाम दिलाने आए हैं? हाँ, लड़का को। लड़का को दिलाने हैं? आपका है। लड़का है ना? हाँ जी हाँ जी। तो क्या कहना चाहिएगा केंद्र के बारे में? कुछ दिक्कत भी हो रहा है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, नहीं है। क्या बच्चा को पढ़ाए थे? हाँ, पढ़ाए थे। कोचिंग करता था? हाँ। आगे क्या बनाना चाहिएगा उसको? अब देखिए, तो अब निकलना के बाद कुछ बात चूट करते हैं। एग्जाम अच्छा चल रहा है? हाँ, बढ़िया अच्छा चल रहा है। मैंने कहते हैं कि पापा अच्छा लिख दिए। हाँ, कितना नंबर? 100 में 100। अच्छा, कितना नंबर लेके आ जाएंगे अभी? वो बोल रहा है कि 95 से कोई छाटे छाटे, मतलब अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाए हैं। चलिए, धन्यवाद अंकल जी आपको। और देखिए यहाँ पे तमाम भाई का देखिए भागते हैं इन लोग, हमको समझ में नहीं आता कौन है। आइए आइए, देखिए इधर भी एक भाई है। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद भाई। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद बद्र आजम। चलिए, कहाँ से आए हैं? बंसीबीघा। आज आपका पेपर है ना? हाँ, आज पेपर है। किस चीज का पेपर है? आज मैथ का पेपर। कितना नंबर का होने वाला है? आज 100 नंबर का होने वाला है। 98। 98 जी। कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस है तब तो बोल। आगे भाई क्या बनना चाहते हैं? जो बनना चाहते हैं अच्छा ही बनेंगे भाई। अच्छा ही बनेंगे बस, मतलब कुछ अभी उम्मीद नहीं है? नहीं अभी कुछ उम्मीद नहीं है। क्या बन सकता है? अच्छा, उम्मीद थोड़ी है, पढ़ रहे हैं भाई, इनका कोई उम्मीद नहीं है। हां भाई। अच्छा, पिछला जो एग्जाम गया हिंदी का था, उर्दू था आपका? उर्दू है। उर्दू था पिछला। कैसा गया पिछला? बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया। बहुत। और बाकी गार्जियन से क्या उम्मीद है आपको? गार्जियन जैसे उम्मीद रखते हैं वैसी है। अच्छा, बिहार सरकार से क्या उम्मीद है? बिहार सरकार जैसे चल रही है वैसे ही है। आप किसको पसंद करते हैं अभी? जैसे देखें कि तेजस्वी और ये नीतीश कुमार, दोनों में थोड़ा सा टूट गया। फिलहाल ये सबसे हमें दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज ऑफ क्योंकि स्टूडेंट है बस यही। थैंक यू। देखिए इनका मतलब कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी हम स्टूडेंट हैं और अभी हम पढ़ाई से ताल्लुक रखते हैं। और इधर देखिए भाई लोग हैं, कैसे हैं भाई? बढ़िया है। बढ़िया है। एग्जाम देने आए हैं? पूछ रहे हो? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हम ही से पूछिए। हमसे ही पूछ सकते हो, जो भी पूछना है वो सकते। अच्छा, आप एग्जाम देने आए हैं ना? कुछ क्वेश्चन पूछे? हम पूछ सकते हो। अच्छा, बता सकते हैं? हाँ पूछे। जो एपी में फॉर्मूला होता है TN के लिए, उसका क्या फॉर्मूला होता है? a+n-1 × d। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बताएं? और योग के लिए फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए, n/2 a+n-1 × t। अच्छा, मान लीजिए कि एपी में हमको मतलब पांचवा पद निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब, n का भाई SN दिया हुआ रहेगा जी, ये n दिया हुआ रहेगा। पांचवा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म हमको निकालना है, कैसे निकालें? अंतिम पद दिया हुआ रहेगा? नहीं, सिर्फ a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे? वो भी निकल जाएगा। कैसे निकालें? वहाँ पे जो LN होता है ना भाई साहब, क्या बोलते हैं? a+4d। ये सही बात है, पद बोला ठीक है। नहीं, a+4d होता है, वही मेन उसका यूनिक फॉर्मूला है, उससे निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बाकी बहुत बिहार से बात कर लेते हैं, कैसे हैं भाई? अच्छे हैं। एग्जाम देने आए हैं? यस। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। कहाँ से आए हैं? बद्रा से आए। अच्छा, केंद्र के बारे में क्या कहना चाहिएगा? एग्जाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। चोरियां कर रहे हैं? नहीं, चोरी का दिक्कत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। चीट भी जा रहा है क्या? चिट्टा भी जा रहा है? नहीं, चोरी से कोई मैथ में चोरी नहीं ना? नहीं, मैथ में चोरी नहीं।
अच्छा जानते हैं जीरो का खोज कौन किया था? जीरो का खोज कौन किए थे? वो तो बिहार के हैं, तो मतलब बिहार के बच्चों का मैथ का ऐसे ही मजबूत रहता है। अच्छा पिछला पेपर कैसा गया? पिछला अच्छा गया भाई। क्या बनना चाहिएगा आगे? अब तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही बताएगा, कुछ नहीं कर सकते अभी, कैसे बता। अच्छा अभी कितना पढ़ के आए? लगभग लगभग 90 प्लस से गिराएंगे। गिराएंगे 90 प्लस जी। अच्छा पिछला दिन कितना जोटी मार दिए थे? 48 लगभग। 48 लगभग। क्या उम्मीद लगता है टॉप कर पाइएगा? देखिए ट्राई, कोशिश तो करवे करेंगे। अच्छा अच्छा धन्यवाद आपको। बाकी देखिए और इधर और इधर छात्र हैं, वो परीक्षा देने के आए हैं। और कब बाबू आप भी आए एग्जाम देने? नहीं तो पूछे पूछे हम भाई दिलाने आए हो? हाँ भैया के साथ। अच्छा पढ़ते उड़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 2। आपका नाम क्या हुआ? सुमित कुमार। कहाँ से आए हो? नैली। अच्छा जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम क्या है? श्री शिक्षा निकेतन। अच्छा अब बताएंगे अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट हाँ कितने होते हैं? कितने होते हैं? 21। 21 कैसे? तो फिर कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट मिस्टेक हो गया इसको। अच्छा मिस्टेक हो गया। देखिए अल्फाबेट 26 होता है ना, जो एबीसीडी हम लोग बोलते हैं, उसमें दो पार्ट होता है, एक वावेल का एक कॉन्सोनेंट का। बताइए वावेल कितना होता है? वावेल 3 पार्ट होता है। हाँ, एक सेम वॉवल होता है। तो बच्चों लोग ऐसा नहीं पता है, वो हम सुंदर होते हैं तब। अच्छा कॉन्सोनेंट कितना होता है? कॉन्सोनेंट 21 होता है। थैंक यू। और पढ़ाई क्या बनना चाहिएगा आगे? आर्मी। आर्मी देखिए बच्चा आर्मी बनना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे और जो हैं भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सारा लोग यहाँ पे, आज इन लोग का दूसरा पेपर है, कहीं ना कहीं मैथ का पेपर है और काफ़ी कॉन्फिडेंस में ये लोग हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, काफ़ी इन लोग कॉन्फिडेंस में और अच्छे से हर क्वेश्चन का इन लोग जवाब दे रहे हैं। कैसे हैं भाई? अच्छा है। अच्छे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा हम ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं ना? हाँ सब सब जानते हैं। अच्छा बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? वो तो वक्त ही बताएगा, वक्त बताएगा। अभी आप नहीं बताइएगा। बता सकते हैं, जानते हैं। 1 होता है। अच्छा कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? कोस 0 के भी तो 0 ही होता है, 1 होता है। चलिए 1 होता है। कैसे हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। नाम क्या हुआ आपका? कुंदन कुमार। चंदन कुमार। कुंदन कुमार। अच्छा बताइए, बताएंगे आप थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? नहीं पता है। वही अल्फा प्लस बीटा का मान समझ आता है। आप लोग 10th का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहेंगे तुरंत पकड़ लीजिएगा। ये हमको बोलने का मतलब नहीं है कि वो बताइए कि सुनको का जोड़ बताएं और सुनको गुणनफल, ठीक है? वो तुरंत बता देते हैं बच्चे लोग। और सब कैसे हैं? आप नहीं हैं। देखिए यहाँ पे तमाम विद्यार्थी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास किए और आज कहीं ना कहीं इनका मैथ का पेपर है और पूरा इन लोग कॉन्फिडेंस में है। कुछ भाई से हम बात भी किए, आप लोग वीडियो में देखे ही। आपको इन भाइयों के बारे में क्या विचार आता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो को आप लोग हमारे पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को भी फॉलो करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत। बता दीजिए ना।